हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन। और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, हमने स्टार्टअप्स के बारे में बात की थी। सो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे स्टार्टअप के बारे में और बिजनेस स्टार्टअप ये शुरू कैसे करना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज, कोई प्रॉब्लम या कोई यूनिक आइडिया फाइंड आउट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम या कोई यूनिक आइडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ऑनलाइन रिचार्ज नहीं होता था, मोबाइल पेटीएम नहीं था, तो पेमेंट ट्रांसफर के लिए लोगों को बैंक के पास जाना पड़ता था, टाइम स्पेंड करना पड़ता था, सुबह निकलना पड़ता था, शाम को जल्दी आना पड़ता था। अगर आपको अपना एयरटेल या वोडाफोन रिचार्ज कराना है, कोई भी सेलफोन कंपनी का कार्ड रिचार्ज कराना है, तो सबसे आपको क्या करना पड़ता था, आपको किसी शॉपकीपर के पास जाना पड़ता था, तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास पेटीएम है, ऑनलाइन रिचार्ज, मोबाइल चार्ज, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या फाइंड आउट किया, प्रॉब्लम या आइडिया? क्या है लोगों की प्रॉब्लम, क्या यूनिकनेस आप दे सकते हैं? अब वो प्रॉब्लम और वो आइडिया फाइंड आउट कीजिए और उसको एक बिजनेस में रैप कीजिए, उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में डालिए, इन्वॉल्व कीजिए उसको। और सबसे बड़ी बात, या फिर मैं बोलूं इससे अगला स्टेप आपको क्या लेना है, फीडबैक। यस, अभी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, सबसे पहले फीडबैक कि आपके पास एक आइडिया है, आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, एक प्रॉब्लम है लोगों की, उसका सॉल्यूशन कैसे देना, वो फीडबैक किससे लेना। सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने रिलेटिव से और अपने फ्रेंड्स से। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, उनको ये मत बताइए कि ये आइडिया आपका है, ये कॉन्सेप्ट आपका है। सिर्फ इतना पूछिए, यार एक ही कॉन्सेप्ट है या ये कॉन्सेप्ट एक नया मार्केट में आए तो क्या वो इसकी सर्विसेज लेना चाहेंगे, क्या वो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करना चाहेंगे, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। आप खुद देखिए, इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा और इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा। अब जब आपको फीडबैक मिलता है, रिस्पांस मिलता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए। एक चीज़ और, मैंने क्यों मना किया आपको कि उनको ये मत बताइए कि वो आइडिया मेरा है या वो कॉन्सेप्ट मेरा है, क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे वो आइडिया और कॉन्सेप्ट मेरा है तो प्रॉब्लम क्या है, इमोशनल डिसीजन, इमोशनल सपोर्ट, जो कि बिजनेस में बिल्कुल नहीं चलता। आप एक काम शुरू कर रहे हैं, उनका वो इमोशनली आपसे अटैच्ड होंगे कि उनका फ्रेंड या उनका बेटा काम शुरू कर रहा है, तो वो चाहेंगे आपको सपोर्ट करना, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। सो इसीलिए ये बोलिए कि कॉन्सेप्ट है, ये सर्विसेज है, क्या ऐसी कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो क्या आप ये लेना चाहेंगे। फिर उसके बाद जब फीडबैक आपको पॉजिटिव मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी है, कैपिटल अरेंज करना है, पैसा अरेंज करना है। अगर कॉन्सेप्ट में दम है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पैसे की, बहुत से इन्वेस्टर आपको मिल जाएंगे, बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। जाइए स्टार्टअप इंडिया में, वो आप वहाँ पर शो कीजिए अपना कॉन्सेप्ट, वहां से हेल्प लीजिए और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करिए। सो जरूरी नहीं है जो चीज मुश्किल दिखती है वो मुश्किल हो, बस कदम उठाइए और आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, कमेंट्स कीजिए और आने वाले सारे वीडियो वॉच करते